वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज हम जा रहे हैं पिकनिक, जो कि फैमिली पिकनिक है, और इसमें हम और जॉर्डन जैक और यानू मिंडो हम तीनों मिलके होस्ट कर रहे हैं। और तो ओलू का फैमिली, जो कि जॉर्डन जैक और यानू मिंडो का फैमिली भी आ रहा है, तो हम लोग फैमिली को गैदरिंग कराएगा बोल के आज प्रोग्राम बनाया है। तो गाइस आप लोग को आज फैमिली को मिलाएगा, जॉर्डन जैक का फैमिली को भी मिलाएगा और मेरा फैमिली को भी मिलाएगा और यानू मिंडो का फैमिली को भी मिलाएगा। और हम लोग ओंडा वे में है, अगर रास्ता में है, यूपिया रोड में है। और ये जॉर्डन जैक हाई कर दो, मेरा असिस्टेंट है आज के लिए। और ये सूरज भैया हाई कर दो। और आज सूरज भैया हम लोग का पूरा सामान को कैरी करके हम लोग को लेके जा रहा है, क्योंकि हम लोग बैन में जा रहा है। आज बैन में है, पूरा सामान पूरा फुल है, मिट से लेके बटन ताली सब कुछ लेके जा रहा है। तो आज आप लोग को सबको मिलाएगा। और एक यूट्यूबर है, बहुत अच्छा यूट्यूबर है, आप लोग को बाद में उसको मिलाएगा। और एक है मेरा दोस्त है, वो भी आ रहा है, जॉन जीरो, वो FSCS टॉप 14 में ये बार आया है, CEO मिल गया है, तो उसे भी आज आप लोगों को मिलाएगा और सब फैमिली को मिलाएगा। और गैस मेरा वीडियो को लास्ट तक देखो, स्किप नहीं करते हुए। और आप लोग को जब पिकनिक स्पॉट पहुंच जाएगा उसमें आप लोग को पिकनिक स्पॉट को भी देखाएगा। और एक बात है, 11 हम वीडियो बनाया था चिपूटा का, और उसी जगह में हम ये बार जा रहे हैं पिकनिक करने के लिए। तो आप लोग को दिखाएगा कैसे है और क्या है, और प्लीज़ गाइस लास्ट तक देखो वीडियो को। और ये हम का पिकनिक स्पॉट जो ईटानगर से आपका चिपूटा है पिकनिक स्पॉट, जो तो वहाँ तक स्पॉट तक पहुँचने के लिए आपका 1 घंटा आधा लगेगा, आपका साइड 25 किलोमीटर होगा ईटानगर से, और नाहरलगुन से आपका 10 किलोमीटर जैसे होगा, 10 या 15 साइड इतना अंदर में होगा। चिपूटा द्विमुख एरिया में पड़ता है और लोकेशन बहुत अच्छा है, और आप लोग घूमने आ सकता है वहाँ। टडन टडन, ये हम लोग जॉर्डन जैक, जो कि 1990 का गुंडा बॉस। और ये हम लोग आधा रास्ता में नमा है, अभी थोड़ा सामान लेगा इसलिए नमा है मेन रोड में। और करीब हम लोग 7 बज गया, बहुत लेट हो गया, और पिकनिक का समय में आपका 7 बजे आपका ब्रेकफास्ट हो जाता है, और हम लोग का भी मेन्यू में वही लिखा था, फिर हम लोग बहुत लेट हो गया। तो अभी थोड़ा कुछ ये अमा लोग के लिए कुछ ड्रिंक ले देगा यहाँ से, बूढ़ा बूढ़ी लोग भी। हम लोग का बैनर बन गया है, चलो अभी बैनर दिखाएगा। और ये है डाओ, इसे डाओ कहते हैं, और मेरा भाषा से इसे अयो बोलता है। और ये है आज का हम लोग का बैनर, वेलकम टू हम साथ साथ है पेमेल पिकनिक बेनू चिपूटा पिकनिक स्पॉट, डेट 26 दिसंबर 2021। और ये ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन ली टको मी हमें, और उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग मेंबर यानू मिंदो वो पीछे आ रहा है, और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी जॉर्डन जैक, जो कि वो पीछे में जॉर्डन जैक। चलो चलो ये लोग भी पहुंच गया, चलो चलो अभी ये लोग को दिखाएगा। ये देखो यार, इसको बाद में हम दिखाएगा, चलो पूरा फुल पैकेजिंग में। तो चलो हम लोग यहाँ से घुसना है, ये जगह से घुसना है, और यहाँ से भी रास्ता है। ये हम लोग का भी पिकनिक स्पॉट पहुंच गया है, और ये है बहुत मेहनत कर रहा है सीओ सर, जो हम बोला था एक मिलाएगा बोल के, नाम बता दो। हाय, माय नेम इज जॉन धीरू, जॉन धीरू, हाँ जॉन धीरू, जो हम आप लोग को बोला था एक आदमी को मिलाएगा, और ये आदमी वो ये बहुत मेहनती है, देखो हम लोग ऐसे करा कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। और आज हम लोग का कुछ इस तरह से, ये हम लोग का हंट है, और यहाँ हम लोग यहाँ पे हम लोग
और ये है बाहुबली मिस्टर जैक, और ये चुंगा बम्बू से, बम्बू का चुंगा है, कम से कम 30 पीस है। ओके। और इसको हामी कटा है, और देखने में कुछ इस तरह से है। तो आज हम लोग यहाँ में फोर्क पकाएगा, और नागा स्टाइल में फोर्क पटाएगा, वो जोन डीरू उसको पकाएगा। और लोकल चिकन भी हम लोग आज बम्बू में बनाएगा, और चिकन का दो आइटम्स बनाएगा बम्बू में। उसके बाद नागा स्टाइल में हम लोग आज ये पोर्क को बना के हैगा, और ये लोकल चिकन का दो आइटम होगा। उसके बाद आप लोग को दिखाएगा क्या क्या बाद में बनाएगा, और क्या क्या हम लोग खाने को मिलेगा आप लोग को बाद में दिखाएगा। तो चलो, बहुत साफ है, और पानी तो साफ लग रहा है। और आपको कुछ कहना है ये पानी लुक को? पानी तो सुंदर है, साफ है, ठीक ही है ना? ठीक है। तो गाइस, पानी बहुत साफ है, लकीली पानी बहुत सफा है। तो आज हम लोग अभी ब्रेकफास्ट बनेगा, और मीट उट बनाने के लिए अभी हम लोग पानी जमा कर रहे हैं। उसके बाद साइड 9:30 या 10 बजे से इंदर लोग आना शुरू करेगा, तो हम लोग को रिसीविंग भी करना है। तो हम लोग अभी जल्द से जल्द पानी तपना है, और उसका बाद चाय बनाना है, ब्रेकफास्ट रेडी कर देना है। और ये हम लोग का आग जल गया है, और तीन पत्थर का बीच में बम्बू से आग जलाया है यह लकड़ी, और इसमें हम लोग अभी चाय बनाएगा। और चाय का इंचार्ज है मिस्टर जॉन डीरू, ये है चाय का इंसान। आपको मिलेगा चाय 9:30 बजे। हाँ। देखेगा अंडा, देखेगा देखो दो अंडा बोल अंडा फोड़ा फोड़ चम्मच से नहीं, और ये क्या है बोझा? ये अदरक है, इसको पीस रहा है अभी चाय में डालेगा। ये देखो हम लोग लोकल वाला पीसने वाला काट का है, तो इसको अभी पीस रहा है। पीसने का बाद हम लोग डालेगा यहाँ में, क्योंकि अभी तक चाय बन रहा है। हम भी चिकन कट रहे, मेरा ये है लोकल चिकन, और ये ओलो मीन्स डाओ मशाती, और ये फार्म चिकन कट रहे, और केसंग हाई कर दो। तो हम भी अभी चिकन कटने में लग रहे, तो बहुत ज़्यादा चिकन है। तो अभी क्या क्या बन रहा है आप लोग को दिखाएगा। तो मेरा बच्चा, और ये चिकन जो कि इसको हम लोग बम्बू में पकाएगा, और ये फट्टा, और ये लोकल चिकन को, और ये क्या बोलेगा इसको, कोल का फूल है तो उसको चटचटा करता है। तो इसको टमाटर और ये चिली का साथ मर्चा का साथ मिलाया है, इसको अभी साथ में डालेगा और मिक्स करके मिक्स करेगा। यहाँ में आपका कोल का फूल है, और टमाटर है, और चिली है, मर्चा है, चिकन है, लोकल चिकन जो कि हम लोग आगे पीस कर चुका है। हम लोग
तो पैसा दे देते हम लोग डांस करेगा रे। ये बम्बू को जो सुखाया था ये बोलता है वो डाला है और इसको मिक्स कर रहा है, टमाटर सब डाला है। अब इसका फिर भी बता दो बम्बू में इसको डालेगा वैसे। और ये इसमें अभी ये जो बम्बू को छोटा छोटा करके जो सुखाया ला ये बोलता है उसे, उसको भी डाल चुका है। और ये चटनी जो हम लोग आज देगा, क्या इसको क्या बोलेगा नाम, इसका नाम क्या है? इसका इसका नाम चटनी है, ये मुर्गी का, इसका नाम है कॉकटेल चटनी, मुर्गी का पेट से ये बनाया गया है। और इसको हम लोग ये पट्टा में इसको डालेगा, डाल के बांधेगा, बांध के इतना भी आदमी सबको देगा। कॉकटेल चटनी ना, ओके कॉकटेल चटनी आप लोग घर पे बना सकते हैं। और देखो कैसे फोन मार रहा है, देखो अभी टूथपिक डालेगा, फिर एक एक को देगा और टूथपिक का साथ में इसको का सकेगा कॉकटेल चखने। ये डिश है अमीन है, अमीन अमीन लोकल डिश है। और ये पट्टे में इसको रख के चम्मच के साथ एक एक आदमी को देगा, ऐसे हम लोग सर्व कर रहे हैं, ऐसे अभी सर्व कर रहे हैं। ये अमीन अमीन डिश कमर नहीं जुड़ा है तो ले ले जाओ ना। ये जो है बम्बू में बनाया ला चिकन, लोकल चिकन आलाता है वो लोग, हाँ लोकल चिकन है। पकने के बाद ऐसे कुछ देखते हैं उसको, फिर बाटी में डालेगा, बाटी में डालने के बाद सबको लेने जाएगा। ये है लाइसक और सिलाई पट्टा भी बोलता है, हम लोग गुयु सब्जी बोलते हैं इसको। हाँ आप लोग क्या बोलते हैं हमको कमेंट्स करो। और ये अदरक डाला है, इसका भी मिक्स करना है क्योंकि तेल थोड़ा सा डाला था मीठा तेल ना, इसको ये राउंड करना है। इसमें आपका मर्चा, मर्चा थोड़ा पिसा था और मर्चा गोटा में डाला है और अदरक थोड़ा डाला है और मीठा तेल थोड़ा डाला है। उसके बाद इसको जस्ट हल्का से कर रहे हैं। और ये है इसका हम लोग वेस्ट कुक, और राउंड कटे कटे ऐसा हो जाता है। ये बन रहा है लाई पत्ता, अलग सी यूनिक स्टाइल में विदाउट वाटर, सिर्फ थोड़ा सा ऑयल डाला है। ओए अपना पसीना मत गिरा रहे लेकिन ऐसा कर लेंगे। मिस्टर जॉन आप क्या बना रहे हैं? तो मैं बना रहा हूँ नागा पोर्क। नागा पोर्क ना? तो पोर्क यहाँ पे है, वहाँ पे अंदर में हम रेड चिल्ली डाल चुका है। उसके बाद देयर आर सम इंग्रेडिएंट्स हियर, कुछ कुछ इंग्रेडिएंट्स है इसको बाद में हम डालेगा और जब सही समय होगा। इसका क्या है? ये जो है बैम्बू, फर्मेंटेड बैम्बू शूट, और इसको लोकल में भूल गया क्या बोलते हैं लेकिन ये बहुत टेस्टी होता है, ईटा। और उसके बाद ये टोमेटो, उसके बाद जिंजर गार्लिक, तो ये सब मिला के लास्ट में अच्छा निकला। और एक इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट ओके ये है राजा चिल्ली, जिसको नागालैंड राजा चिल्ली, राजा चिल्ली हाँ, जिसको नागालैंड में नागा चिल्ली बोलते हैं, अच्छा। नागा जोलोकिया ही बोलते हैं, अच्छा। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा तो ये नागा पोर्क बनाने का, नागा डिश बनाने के लिए ओके। तो आप ये देख लेते हैं, तो बाद में फिनिशिंग होने का था और एक बार हम दिखाएगा। ये है नागा पोर्क जो कि बन के तैयार हो गया, और सुबह से जॉन धीरू बना रहा था। देखिए हाँ, अभी इसको हम लोग निकाल के देखेंगे कैसे देखता है नागा पोर्क। इसका टेस्ट को सबसे अच्छा मैं ही टेस्ट कर सकता हूँ। और ये जोड़म जैक इसको टेस्ट करेगा। ओ थोड़ा रुकिए रुकिए, वाह टेस्टी, चलो चलो टेस्ट करके देखो, बताओ हम लोग को टेस्टी लग रहा है देखिए। कैसे? अच्छा अच्छा बढ़िया है ना? बढ़िया ओके, आप भी टेस्ट करते हो? हम भी खा लेंगे। और ये हम लोग बना लिया, और हम लोग
ये डिश को आग में बनाने से और अच्छा होगा ना फ्लेम में? हाँ, ये आग में कहीं में भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसे डेक्ची में और भी ज्यादा टेस्ट होगा ना। हाँ हाँ, डेक्ची थोड़ा यूटेंसिल जो थोड़ा मोटा होना है तब अच्छा से मतलब उसको पकने के लिए मतलब हेल्प मिलता है। अच्छा अच्छा, पतला वाला यूटेंसिल नहीं होना है, तो इसलिए ये डेक्ची बहुत भारी था, बहुत मोटा था, तो इसलिए अच्छा था, तो इसलिए इसने अच्छे से पका है। थैंक यू। और ये है जो आप लोग को मिलाएगा बोला था एक यूट्यूबर, तो चलो। हेलो गाइस, इसका जो भी सब्सक्राइबर है सभी को बोलना चाहेगा, ये बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग शेयर कर दीजिए इसका वीडियो को। हर कोई छोटा से शुरू करता है, तो हम भी छोटा से शुरू कर रहे हैं, और हम बहुत ही छोटा है अभी भी, तो मेरा वाला को भी एक्चुअली आप सब्सक्राइब कर दीजिए। मार्क पाइंग ब्लॉग्स है, तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लॉगिंग होगा, जैसा कि ट्रैवलिंग, मुकबांग, इन्फॉर्मेटिव भी है, तो आप लोग जरूर मेरा चैनल को विजिट करके आप वीडियो देखिए, डेफिनेटली आप लोग लाइक करेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग पे इसका होने से। तो गाइस, आप लोग इसका चैनल में आप लोग वो कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और इसका चैनल को देख दीजिए, और ये मार्क फाइंग आप लोग सर्च करने से भी मिल जाएगा। तो गाइस प्लीज़ इसको भी साथ दीजिए, और मेरा चैनल को भी आप लोग जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, और लाइक कर दो, और ढेर सारा प्यार दे दो। ये हम लोग आ गया, तो हम लोग का पिकनिक में हम फिर से हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी क्रिसमस, और ये अच्छी भी आ गया। अच्छे फिर से हैप्पी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर। अच्छी, चल अंदर हाय चल। तो अभी एक गाड़ी तो पहुंच गया, और ये सबसे लेट है। हैप्पी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। और क्यों इतना लेट? थोड़ा इसी तरह वहाँ में वो कर गया, घर में थोड़ा कुछ नए बहुत काम करना है। चलो, और ये देखो लड़की पार्टी, हम लड़का लोग चाय बना रहे हैं एकदम लेट पेट। देखो पहुँचने का साथ साथ लड़की लोग का काम ही ऐसे, पहुँचने का साथ साथ शुरू सेल्फी लेना। और ये और एक फैमिली पहुँच गया, हैप्पी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर, आप लोगों को स्वागतम। तो ये और एक फैमिली पहुंच गया, और धीरे धीरे हम लोग का पिकनिक में रौनक आते हुए। तो हम लोग का और एडिशनल होते हैं फैमिली धीरे धीरे। नाम बताओ, मक्स के नाम बताओ। डुमकेन रोमिन, डुमकेन रोमिन, तो ठीक है, मस्त का साइन है ये अंदर। नमस्ते, अंदर। हैप्पी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। चलो हैप्पी न्यू ईयर। हम लोग और फैमिली एडिशनल हो रहे। अच्छी, मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। तो अभी फिलहाल सब फुल हो गया, अभी हम लोग जितना आना था सब आ रहे। चलो चलो सब लोग लाइन लाइन, चलो पाइन। हैप्पी क्रिसमस, अंदर आके साथ में बैठने से हैप्पी क्रिसमस। खत्म। Yeah!
थोड़ा सा ये फोन आ गया फोन आ गया था अभी अच्छा से गाएगा ना सही कौन सा मार्बल से और स्पून रेस चल रहा है हम लोग सीनियर का बीच में और हम लोग रेडी है ना अच्छे लोग ओए पक्को के 1 2 3 आराम से जाओ आराम से मैं देखो ऐसे वो इतने खुशी है नमो हद गो अन्याद नमो बेताम लामा नहांग उर लोदो दिन नमो काताम लामा नमो हद गो अन्याद नमो बेताम लामा नहांग उर लोदो दिन नमो काताम लामा क्यों वाली सुना है तेरे क्यों से बहती है नींद और नींदों में सपने पिकनिक में ये दाल है लोकल राइस एंड दाल और ये लाइव पट्टा जो कि हल्का से फ्राई किया है और ये नागा पोक डिश बनाया है और ये चिकन फ्राई और ये सलाद और ये है पानी और ये है बिना दीदी और ये टिश्यू पेपर और ये देखो जो देने वाला अभी वहाँ से लाइन होके आएगा जैसे लाइन लगा रहा है जैसे लाइन होके जाएगा खाना उना लेगा जरा मोह बंद वाला अखियों ने ऐसा डाला जरा मोह बंद वाला अखियों में ऐसा डाला कजरे ने ले ली मेरी जान तेरे I'm
तो गाइस आज हम लोग का पिकनिक खत्म हो गया और ये हम ऑर्गेनाइजर चेयरमैन था और ये मेरा असिस्टेंट था और मेरा लिए अभी लास्ट एंडिंग है इसलिए मेरा असिस्टेंट आज कुछ बोलेगा। अले पिकनिक बहुत सक्सेसफुल हुआ और सब थैंक्स है सब जितना भी कमेटी मेंबर्स है सबको लोग जितना भी मम्मी पापा जितना भी था जितना भी रिलेटिव्स लोग है जितना भी फैमिली मेंबर्स है सबको थैंक यू सो मच। और हाँ YouTube में फॉलो कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए जितना भी वीडियोस ये सब आता है और धमाकेदार कंटेंट के लिए बरकरार देखते रहिए। ठीक है और आप लोग भी अपना माँ पिताजी को ऐसे पिकनिक कराइए और अपना माँ पिताजी को खुशी दो क्योंकि फैमिली से बढ़कर कुछ नहीं है लाइफ में। तो आपका काम धंधा तो चलते रहेगा लेकिन आप फैमिली को टाइम भी देना चाहिए और थैंक यू और नेक्स्ट ब्लॉग के लिए आप लोग वेट कीजिए और धमाकेदार वीडियो आ रहा है। एंड विद दिस वी साइन ऑफ।